कितना सारे लंगूर है। एक साथ जो पहाड़ी कलियो होता है अड़सा रोटना, वो हमारे घर में आ रखा है। तो लंगूर भगाते भगाते हम पहुंच चुके हैं एक खतरनाक वाली गुफा पे। हमारे यहाँ पानी का अकाल पड़ गया, सुबह से हमारी टंकी पे पानी नहीं आ रहा। पानी का एक डुब्बा उठाते हैं और इसी को लेके चलते हैं सीधे वहीं अपने स्रोत पे। आपको विश्वास नहीं होगा कि उस पानी पे हम जीवित रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जो हमारे गांव का पानी का स्रोत है वो ये है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर हमारी गौशाला से हो रही है। और यहां पर आया था मैं पानी का डब्बा लेके, और अब जाऊंगा मैं खेतों की साइड इसको लेके। इसमें है बहुत सारा खरपतवार, इसको बोलते हैं घछड़ू घुछड़ू गढ़वाली में। तो माँ जा रही है खेतों की साइड, तो माँ ने बोला था जैसे ही पानी लेके आएगा गौशाला पर फिर ये चंगेरी उठाकर खेतों में आ जाना। तो उस खेत में चंगेरी लेके मैं आ चुका हूँ जहाँ पर माँ ने मुझे बुलाया था। और अब यहाँ पर जो ये आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं उसके कांटे कूटे और खरपतवार नज़र आ रहा है, तो इस घसेड़े से उसको जलाने का हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। और यहाँ दिखाएं तो आज माँ का जो काम था यहाँ, तो यहाँ पर माँ पूरे खेत में जो गोबर यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था आज उसको फैलाएगी और फिर आने वाले टाइम पर इस खेत में हम हल लगाएंगे। और हिमालय के जो दर्शन हैं वो आज आपको खेतों से करवाते हैं। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं आज हिमालय के, आज भी हिमालय ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर धुंध फैली हुई है और बीच बीच में काले काले बादल भी हिमालय पर छाए हुए हैं। तो आड़ा फूकने के बाद, आड़ा जलाने के बाद एक बार फिर माँ लग चुकी है जिस काम के लिए माँ यहाँ पर आ रही थी, गोबर फैलाने पे। और जो ये वाला गोबर है ना, ये काफ़ी टाइम पहले खेत में डाल दिया था लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी गीला है, मोटा है, इसको गड़वाले बोले तो कच्चा है, अभी अच्छी तरह से ये पका नहीं है। तो ये फैलाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। गढ़वाली में शब्द यूज होता है, केवल ये फारा नहीं होता है। क्या मतलब होता है मैं फारा नहीं होता है? प्याच करके एक ही जगह पे होता है, तो फैलाते हैं तो पूरे उसमें फैलता नहीं है, इसीलिए वो गढ़वाली वर्ड यूज किया जाता है। ये फारा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा यू गोबर तो ज़्यादा होता है लेकिन ज़्यादा जगहों तक इसको यूज हम नहीं कर पाते हैं। और माँ फिर भूल गई तू, अब बार बार कान बताएगा तेरे को है। हेलो गाइस, माँ को याद नहीं है, माँ को अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। तो आज सुबह से माँ खेतों में काम कर रही है, तो बल माँ का गला सूख गया है इसीलिए माँ ने मेरे से मंगाए हैं माल्टे। और माँ के हाथ तो पूरे गोबर से हो रखे हैं लिप लिप कार, तो इसीलिए माल्टे छिलते हैं और माँ को खिलाते हैं। तो माल्टा तो मैंने अभी छिल लिया है और माँ के हाल देखिए, गोबर के हाथ सिर्फ ऐसे ही साफ कर रही है। ऐसे में हो जाएगा, हो गया। तो ऐसे ही हाथों से माँ खाएगी, बल हो गया, बल सब ठीक हो गया, बल अब सूखी पत्तियों से भी हाथ साफ कर रही है। अब जाके माँ आराम करेगी और ये खाएगी, ले। तो आज का जो गोबर फैलाने का यहाँ पर काम था वो आज कंप्लीट होता है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और यहाँ दिखाएं तो माँ घास की कंडी नई चंगेरी उठा के चल पड़ी है और मेरे पास ये गोबर की कंडी दी है कि इसको गौशाला तक पहुँचाना है। तो ये कंडी माँ को पकड़ाते हैं और माँ बोल ली है इधर कहीं लंगूर आ रखे हैं खेतों में। ओ ला 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 ला, पकड़ 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 पकड़, ओ
कितना सारे लंगूर है। हे 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 यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर वो उधर पहाड़ी तक लंगूर ही लंगूर है। और यहाँ लंगूर भगाने के लिए ना मेरे साथ आ रखे हैं यहाँ चाचा जी, और चाचा जी से डर ही नहीं रहे यार। चाचा छोड़ो यार, तुम भी चाचा जी से जस्ट चला ही नहीं जा रहा है तो डरेंगे कहाँ से बल। और ऊपर दिखाओ, मैं तो वहाँ पहाड़ी पे उनकी लड़ाई भी चल रही है आपस में। फोटो ने मेरे को डरा दिया था, फोटो भी पहुंच गया। लंगूर भगाते भगाते हम पहुंच चुके हैं एक खतरनाक वाली गुफा पे। और हमारे साथ जो चाचा जी हैं ये बता रहे हैं सोलू की गुफा पर। ये सोलह का गुफा है जिसको सेई भी कहते हैं। आपने कभी देखा सोलू इसके अंदर? तो चाचा बोल रहे हैं यहाँ रास्ता बना रखा है और अंदर एक ये वाला छेद आप देख सकते हैं, ये तो बहुत अंदर पता नहीं कहाँ तक है। इस साइड में एक यहाँ है वाला। तो भागते भागते अभी भोटू और मैं पहुंच चुके हैं घर। और यहाँ देखिए भोटू की हालत भी ख़राब हो गई है और भोटू इंतज़ार में कि पानी पिलाएगा। और हमारे लिए भाई साहब चाय लेके आए हैं, धन्यवाद है। कोई वही नहीं है, अंकी भाई की याद आ रही है। आज अंकी भाई है नहीं घर पे, अंकी भाई चले गए हैं श्रीनगर, तो काफ़ी याद आ रही है। वैसे अंकी भाई और मेरे ना आपस में द्वंद्व चलते रहते थे, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ, मतलब मजा आता था। तो आज है नहीं वो, तो अकेला अकेला महसूस हो रहा है। और अभी माँ पे बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ गया है, और किस चीज़ का है वो आपको बाद में बताते हैं। पहले चार कुर्सी मेरे उधर पैसे लाए वो भी नहीं रखे तुमने, दो मेरे अगस्त मुनि से लाए वो भी तोड़ दिया, फिर तक दो हो लाए। तोड़ने वाला कौन है मैं दिखाता हूँ आपको, तोड़ने वाला कौन है ये देखो। अभी अभी एक कुर्सी के क्या हाल कर दिए हैं, एक एक हाथ जो है वो पूरा तोड़ दिया है देखो। चल गलती में टूट गई ना। ऐसे ऐसे टीवी देखने में, टीवी में देखता ही नहीं हूँ। पहले तोड़ा ना जब छोटा था, छोटा छोटा, अब बड़ा हो गया मैं। तो खाना अभी बन चुका है और आज आप देख सकते हैं खाने में जो रेंस है, तुअर है, उसकी दाल बनी हुई है और साथ साथ में घी है और भात है, और आज भी माँ ने बनाया है। हेलो गाइस, माल्टे मंगाए नहीं तूने? अब ठीक है यार, माँ को याद रह रहा है कि माँ पे कैमरा लगेगा तो हेलो गाइस बोल रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है माँ का हेलो गाइस, जरा कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लग रहा है तो आने वाले टाइम पे बापू जी और माँ दोनों एक साथ करेंगे, मजा आएगा। दोस्तों अभी मस्त खाना पीना खाने के बाद मैं आया हूँ अपनी टंकी पे, क्योंकि आज हमारी टंकी ना बिल्कुल खाली होगी। हमारे यहाँ पानी का अकाल पड़ गया, सुबह से हमारी टंकी पे पानी नहीं आ रहा था। कुछ टाइम पहले हमारे भाई साहब गए थे जहाँ से हमारा पानी का स्रोत है, जहाँ से जंगल से हमारे यहाँ पानी आता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा उनको पानी की कमी देखी गई, और फिर भी वहाँ पर उन्होंने सफाई सफाई की होगी, तो उसके बाद वहाँ से तो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, लेकिन टंकी में स्टोर नहीं हो रहा है। तो अभी मैं वही चेक करने के लिए आया हूँ कि हमारी टंकी पे पानी आ रहा है या फिर आज हमको बिना पानी के ही रहना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो पानी नज़र आ रहा है ना, तो ये पानी है इस वाली टंकी का, इसमें पानी स्टोर रहता है। तो वो भी आज यहाँ पर किसी ने कपड़े कुपड़े धोए होंगे तो पानी भी वहाँ से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, अरे हो जा सही से, तो ये देखिए मतलब पानी है लेकिन थोड़ा आ रहा है। ये टंकी ये भी ख़राब हो गई है, तो ऐसा कुछ है हमारे यहाँ आज पानी के हाल। पानी ऐसे पानी आ रहा है और ये पानी भी साफ नहीं, इसमें बहुत सारा मतलब मिट्टी टाइप की आ रही है। तो इसको इसमें रख देते हैं फिर से, ये रख दिया मैंने इसमें। और मुझे लगता है कि आज एक बार फिर शाम को वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा पानी का स्रोत है, और फिर वहाँ पर सही से व्यवस्था करके ही पानी आएगा, नहीं तो खमोली गांव में पानी की अकाल सच में पड़ जाएगी। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और हमारे गांव से धूप गायब होके सामने पहाड़ियों पर चले गई है, और मैं गौशाला के नज़दीक आया था तो यहां पर आप देख सकते हैं जो अरबी और आलू कल बच गए थे, तो वो माँ आज यहां पर लगाने का काम कर रही है।
और सिर्फ यहीं पे माँ आलू और अरबी नहीं लगा रही है, बल्कि आप देख सकते हैं नीचे आपको काला खेत नज़र आ रहा होगा, और वैसे ही काला खेत यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। खेत काला नहीं है, वो मिट्टी काली हो गई है क्योंकि माँ ने ज़मीन खोदी होगी, तो वहाँ पर भी दोनों जगह माँ ने आलू और अरबी लगा दिए हैं। और सामने के नज़ारे आपको दिखाऊं तो हिमालय एक बार फिर लुप्त हो चुका है बादलों और धुंध के अंदर, तो वहाँ पर मौसम बिगड़ गया है, वहाँ पर बारिश और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अपने यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला आसमान आपको देखने को मिल रहा होगा, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। दोस्तों आपको मैंने दिन में बताया था कि हमारे गांव में पानी का अकाल पड़ने वाला है, वैसे आज पड़ ही गया है। सुबह से एक भी डब्बा मैं पानी का घर लेके नहीं गया हूं, कल का ही पानी अभी तक हम पी रहे हैं। और अभी भी मैं पानी का हाल आपको बताऊं ना, पानी आ तो रहा है अभी, क्योंकि सुबह पानी लगाया था टंकी में, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, लेकिन पानी में ना बहुत सारे ऐसे कीट पतंग हैं जिसको कि हम अभी खा नहीं सकते हैं। खाना तो वैसे पानी को नहीं होता है, मतलब पानी को हम पी भी नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं और हमारे साथ नितिन भाई जा रहे हैं पानी की ढूंढ में जंगल की ओर, और एक डब्बा मैं वहीं पर पानी का लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा पानी आता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पानी का एक डब्बा उठाते हैं और इसी को लेके चलते हैं सीधे वहीं अपने स्रोत पे। तो अभी हम आ चुके हैं घने जंगल में, आप देख सकते हैं चारों साइड आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही घने जंगल के बीच में जो हमारा पानी का स्रोत है वो यहाँ ऊपर है, वहीं पर मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन आजकल ये रास्ता आप देख सकते हैं कैसे सूखा सूखा हो रखा है, क्योंकि पतझड़ का टाइम था ना, ये जो बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं पांगर, तो पांगर के सारे पत्ते यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। और जो ये गधेरा है, मैंने आपको बताया भी था, ये है पंडारी का गधेरा, तो यहाँ पर मानसून के टाइम पे तो बहुत पानी होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी देखने को मिल रहा है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के पानी के स्रोत पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पानी का स्रोत है, ये तो मतलब लास्ट वाला है जहाँ पर स्टोर होता है, जहाँ असली स्रोत है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये है, इसमें भी स्टोर होता है, और जहाँ से पानी निकलता है आपको विश्वास नहीं होगा कि उस पानी पे हम जीवित रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे गाँव का पानी का स्रोत है वो ये है, तो आप बोल रहे होंगे मुट्ठी भर इसमें पानी नहीं है, मतलब इसमें एक गिलास भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा गांव इस पे कैसे रह पाता है। तो यही वो पानी है जो यहाँ पर बांझ की जड़ों से निकलकर आता है, और यही पानी यहाँ से नीचे जाता है ऐसे घिस घिस के, रिस रिस के, और फिर जाके वो इस वाली टंकी में, जो पत्थर की टंकी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इसमें जाते हैं, तो थोड़ा इसको खोल के देखते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये देखिए जो पत्थर की टंकी है, तो जो मैंने आपको वहाँ ऊपर जड़ पे दिखाया था पानी, वो धीरे 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 करके यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर होके इतना ज़्यादा ये पानी हो जा रहा है, तो यहीं से वो आगे बढ़ रहा है। तो पतझड़ का टाइम है तो इसमें पत्ते गिरते रहते हैं, इसीलिए जो हमारा पानी है यहाँ से ब्लॉक हो जाता है और हमारे गाँव तक पानी नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत पानी देखने को मिल रहा है, लेकिन असली जो टंकी है जहाँ से हमारे गाँव में पानी जाता है वहाँ पर भी थोड़ा चक्कर लेते हैं। तो जो पत्थर वाली टंकी थी वो बिल्कुल बंद कर दी है सही तरीके से, उसके ऊपर कांटे कोटे भी रख दिए हैं, और अब आती है फाइनल टंकी जहाँ से कि हमारे गांवों के लिए पानी जाता है, तो इसके अंदर भी खोल के देख लेते हैं। वैसे भाई साहब ने सुबह ही देखिए यहाँ पर सफाई सफाई कर रखी थी, तो ऊपर से एक दो पत्ते और भी गिर गए हैं, और इधर देखिए भाई साहब ने मिट्टी भी निकाली होगी, तो सब यहाँ रख रखा है। तो एक बार फिर हम भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारी फाइनल टंकी है जहाँ से हमारे गांव के लिए पानी जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसा है, मतलब मैंने आपको दिखाया ऊपर जहाँ से थोड़ा पानी था वो थोड़ा थोड़ा निकल करके इस वाली टंकी में स्टोर हुआ, और वहाँ से फिर ऐसे यहाँ धारी के रूप में आया, और यहाँ से हमारा
जाता है, यहाँ से पाइपलाइन लगी हुई है जहाँ पर आपको ये बोतल नज़र आ रही होगी, तो ये बोतल भी जुगाड़ करके लगाई हुई है जिससे कि वहाँ अंदर कुछ ज़्यादा जानवर जुनवर तो क्या बोलूँ मैं, कीड़े कूड़े ना जा पाएँ, फिल्टर करने के लिए वो वहाँ पर लगा रखी है। तो पानी तो ठीक ठाक आ रहा है लेकिन ये पानी अभी गाँव तक नहीं जा पा रहा है, उसके लिए थोड़ा यहाँ पर अंदर है मेरे नितिन भाई, ये मिट्टी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसके आगे मिट्टी जमी होगी। तो ये देखिए ऐसी मिट्टी जम रखी है अंदर, इसीलिए पानी हमारे यहाँ नहीं जा पा रहा है, इसको पूरा साफ करना पड़ेगा। टंकी हो गई छोटी और जो हमारा डब्बा हो गया वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आज छोटा डब्बा नहीं लेके आया, नहीं तो एक छोटा बर्तन लाना चाहिए था मुझे, अब आधा ही भरेगा लेकिन चलो पीने लायक तो हो ही जाएगा घर में। तो ये देखिए पानी का जो डब्बा है वो पूरा तो नहीं भरा है क्योंकि इसको रखने के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं हो रही है, लेकिन देखिए आधे से थोड़ा ऊपर तक पानी आ चुका है तो बढ़िया हो गया। नितिन भाई को भी बोला था हमने कि चलो तुम भी एक डब्बा लेके चलो, तुम्हें अच्छे अच्छे तो लास्ट वाली जो टंकी थी पानी भरने के बाद वो भी मैंने पैक कर दी है और अब पानी का डब्बा लेके मैं और नितिन भाई जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा देर ना यहाँ जंगल में रहना सही भी नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं पंगरौली स्टेडियम में, मैं तो पानी लेके आया, नितिन भाई लेके आए हैं यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ, तो नितिन भाई का कहना है थोड़ा आग जलाई जाए, ऐसे क्यों ठिठुर रहे हो तुम झड़ लो तो नितिन भाई को थोड़ा ठंड हो गई है बोल, तो हमेशा की तरह अपने पंगरौली स्टेडियम में आग जलाते हैं, उसका आनंद लेते हैं फिर निकलते हैं घर। तो आ चुका हूँ मैं अपने वबरा बितर और यहाँ पर आगे माँ है और बापू जी की जगह उधर भाई साहब बैठे हुए हैं। हेलो गाइज और यहाँ दिखाएं तो चाय बनके बिल्कुल तैयार है और चाय के साथ जो पहाड़ी कलियो होता है अरसा रोटना वो हमारे घर में आ रखा है, तो इसका हम आनंद ले रहे हैं। अरसा तो है लेकिन रोटना इसमें नहीं देखने को मिल रहा है।